हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिकन चंगेजी के लिए। चिकन कैसे बना के रखें ये वीडियो में लाया हूं स्पेशल रेस्टोरेंट और होटल वालों के लिए। ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में एक आइडिया कैसे आया ये भी आपको बता देता हूँ। हमारे एक फैमिली मेम्बर का फ़ोन आया कि शेफ आजकल हमारे चंगेजी में कंप्लेन आ रही है, तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि हम कैसे बनाएं, कैसे उसको स्टोर करें। तो इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि चिकन चंगेजी के लिए चिकन कैसे बना के रखें। कल मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रेवी से चंगेजी कैसे बनाएं फटाफट। चिकन चंगेजी का मीजा करने के लिए, मतलब चिकन चंगेजी बना के रखने के लिए, आपने इस तरीके से चिकन काट लेना है जैसे कि तंदूरी चिकन का काटते हैं। ये देखिए, ऐसे कट भी लगा लेना है। उसके बाद आपने लेना है एक डिप बॉल। डिप बॉल के अंदर आपने डालना है हैंग कर्ड 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च क्रश की हुई, 2 टेबल स्पून ये चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको हल्का सा ऐसे मिक्स करना है, ये देखिए, और इसमें डाल देना है चिकन और ऐसे आपने इसको मिक्स कर देना है। मसाला अच्छे से लगा लें और इसको रख देना है आपने फ्रिज के अंदर। आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरीके से चिकन को मैरिनेट किया। अब उसको मैरिनेट करके 2 घंटे हो गए। मैंने 2 घंटे इसलिए रखा ताकि अच्छे से उसमें चिकन में मसालों का टेस्ट चला जाए। अब मैं उसको सीख में लगाऊंगा। सीख आपने लेनी है मोटी वाली। आप चाहें तो तवे पे भी उसको ग्रिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में बना रहे हैं तो आपने सीख में लगा के तंदूर में ही रोस्ट करना है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया रखने से। अब लगाने का तरीका क्या है, हमेशा की तरह ऐसे पहले आपने इसको मसाला लगा लेना है हाथ से, फिर ये देखिए ऐसे लगाना है इस तरीके से, ऐसे लगाएं। उसके बाद ये भी, ये देखिए, अब मैं ऐसे ही लगा लूँगा सब, आप भी ऐसे ही लगा लें। चिकन सीख में लगाने के बाद आपने इसमें ऐसे मसाला लगा देना है जो बचा हुआ है, अच्छे से चुपड़ दें इसमें। ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपने तंदूर में डाल देना है और ढक्कन लगा दें। चिकन हमने हाफ डन करना है। आज मैं आपको हाफ डन का मतलब भी समझा दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आप जब भी कोई चिकन बना रहे हैं, तंदूरी चिकन या कोई भी फुल चिकन, और उसको आपने हाफ डन करना है, तो क्या करना है, आपने 7 मिनट के बाद उसको निकालना है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया। आपने निकालने के बाद इसको ऊपर लगाना है बटर या फिर देसी घी, हल्के से लगाएं ऐसे, और घी लगाने के बाद आपने इसको बाहर टांग देना है। इस तरीके से टांग दें, कम से कम 5 से 6 मिनट बाहर टांग के रखें। उससे क्या होता है, ये हवा से थोड़ा सा पक जाता है। हवा मतलब जो हवा लगती है ना, इसको बोलते हैं हवा लगाना, और इसमें जो पानी है ना वो निचुड़ जाता है। उसके बाद हम इसे दोबारा पकाएंगे, तब जाके होता है सही से हाफ डन या फुल डन। अभी ये क्या है, अंदर से कच्चा होएगा। अभी मैं इसको लगातार पकाऊंगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाता है तब क्या होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए आप इसको हाफ डन तो हमने करना है लेकिन कच्चा नहीं रखना है। कच्चा और हाफ डन में फ़र्क होता है। अब ये देखिए चिकन में हवा लग चुकी है और ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से अंदर डालूंगा, 3 से 4 मिनट में वापस निकालूंगा। आपके मन में ख्याल आया होगा कि शेफ ने बोला था हाफ डन और कच्चे में फ़र्क होता है, तो फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हाफ डन का मतलब ये होता है हमारी भाषा में होटल वालों की, कि चीज़ पकी हो लेकिन सर्व करने लायक ना हो,
जैसे बोलते हैं ना हल्की सी कच्ची होती है, जैसे ये चिकन पूरा पक जाएगा लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, क्योंकि जब आप अंदर तक जाएंगे ना हड्डी तक, तो वो आपको कच्चापन नज़र आएगा, मतलब खाने में नहीं लगेगा लेकिन नज़र आएगा कच्चापन, तो कच्चापन नज़र आने को बोलते हैं हाफ डन। ये देखिए, और ढक्कन आपने तुरंत लगा देना है। चिकन तैयार हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे और ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊंगा आपने कैसे स्टोर करना है। चिकन ठंडा हो चुका है, ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको स्टोर कैसे करना है। हम लेते हैं ऐसी एक स्टील की ट्रे, ट्रे के अंदर रखते हैं, ये देखिए ऐसे ट्रे में रखते हैं एकदम ठंडा करके, और ऐसे ढक्कन लगाते हैं और फ्रिज में इसको रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में नहीं। ये आराम से 4 दिन चलेगा, 4 दिन इसको कुछ भी नहीं होना है। आज मैंने आपको बताया कि आप चंगेजी के लिए चिकन कैसे बना के स्टोर करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।